व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू इंश्योर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन का बेटा फॉर्मूला अभी ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ा है, तो जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। बट फ्रॉम नाउ अगर आप ओ लेवल की नॉलेज को ही रिकॉल कर लो, तो अभी क्वेश्चन जो किया वो प्रोपेन ही था। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था C(NH2N+2)। एन की जगह जब 3 रखोगे, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन ना, तो दिस वुड बी C3H8। इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन में यू नो यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ वाटर क्योंकि हाइड्रोजन को हाफ किया है, और ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 6+4 10 बन रहा है, तो यहाँ पे 5 आएगा। ये अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बैलेंस की है, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे कह रहा है कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो दोनों रिएक्टेंट की बात कर रहा है, प्रोपेन और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं 1:5 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, मिनिमम मास कह रहा है, वॉल्यूम नहीं मांग रहा ऑक्सीजन का। अब हमें पता है कि 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस होता है उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, मतलब प्रोपेन की मास की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है। आप इन सबको मोल्स में भी कन्वर्ट करके पहले मोलर रेशियो भी निकाल सकते हो, मोलर रेशियो से भी कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पे मास है एक जगह पे वॉल्यूम है, तो मैं तो कहता हूँ स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम ही बना लो, मतलब प्रोपेन का मास लेके चलो शुरू से और ऑक्सीजन का वॉल्यूम लेके शुरू चलो। अगर आप मुझे प्रोपेन का इक्वेजन में 1 मोल गिवेन है और ऑक्सीजन का इक्वेजन में 5 मोल्स गिवेन है, तो प्रोपेन के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई किसी भी चीज के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि हम उसके मॉलिक्यूलर मास से मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। इफ यू वांट टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई मोल्स बाय द एमआर ऑफ दैट कंपाउंड। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बस, दिस इज 3 × 12 + 8 × 1 ये आ रहा है 44, 1 × 44 grams ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभी रूम कंडीशंस पे है ना, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम कंडीशंस। 5 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी, इसको हम क्या करेंगे 5 × 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम बन जाएगा। नाउ ही इज सेइंग इफ यू हैव 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ उल्टा कर दिया, प्रोपेन का सर वॉल्यूम प्रोपेन भी, का वॉल्यूम तो मिलता है, हाँ वॉल्यूम से मोल प्रोपेन का निकालना वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का मास है, है। यस बता भी नहीं रहे हो बस करवाए। देखो व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो मास है, इंश्योर कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का वॉल्यूम है, तो प्रोपेन के नीचे वॉल्यूम लिखना था, ठीक है। प्रोपेन के 1 मोल है और ऑक्सीजन का 5 मोल है, प्रोपेन के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो उसके मोल्स को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स, ऑक्सीजन के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीजन के मोल्स को ऑक्सीजन के एमआर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का एमआर इज 2 × 16 दैट इज 32, 5 × 32 grams ऑक्सीजन। नाउ ही इज सेइंग इफ यू हैव 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम मतलब एक्सेस में नहीं होगा, एग्जैक्टली जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वही वैल्यू आएगी ना 12 डेसीमीटर क्यूब प्रोपेन को रिएक्ट करवाने के लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 5 × 32 × 12 / 24।
ये आपका ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 80। 80 ग्राम। अच्छा अब अगर आप लोगों को मोल्स ओ लेवल में इस तरह से सॉल्व करने की आदत थी कि आप पहले सब चीजों के मोल्स निकालते थे, मतलब स्टोइकोमेट्री इस तरह से करते थे, जैसे इसने ऑक्सीजन का मास पूछा हुआ है और प्रोपेन का वॉल्यूम गिवन है, बट इफ यू वांट टू फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोपेन फर्स्ट, तो किसी भी गैस के वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 24 करोगे, ये आ जाएगा 0.5 मोल, क्योंकि रूम कंडीशंस पे 24 डेसीमीटर क्यूब होता है ना किसी भी गैस का। तो अब इस इक्वेशन में इक्वेशन जो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है वो ये एज पर दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ प्रोपेन को 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अभी हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ प्रोपेन है, उसके लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा एक्स, तो ये ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे पहले, क्योंकि 0.25 आएगा, सॉरी 2.5 नॉट 0.5, सॉरी। ये ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं, राइट, दीज आर मोल्स ऑफ O2। अब आप ऑक्सीजन के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय MR, ऑक्सीजन का MR 32 होता है, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल मास ओवर MR, 2.5 × 32, दैट वुड बी 80 ग्राम्स। बेटा आपने जो भी मेथड से ओ लेवल के क्वेश्चंस किए हैं ना, आपको अपना मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीजें होती है, बस फर्क क्या है कि जो दूसरे मेथड में हमने अलग अलग करा है सारा काम, और पहले मेथड में हमने एक ही जगह पे सारा एक साथ मल्टीप्लाई करके काम कर लिया, तो ये कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। अगर आप मोल्स की डेप्थ में उतर गए हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि कोई इसमें अलग काम तो नहीं हुआ, वो एक ही जगह सारा कर लिया था, यहाँ पे अलग अलग करके निकाल रहे हैं मोल्स। ठीक है, स्टिक टू योर मेथड, आई एम नॉट सेइंग कि आप पहला वाला फॉलो करो या दूसरा वाला फॉलो करो, जिस कुछ लोगों ने ओ लेवल में पहला वाला करा हुआ होता है, कुछ लोगों ने दूसरा वाला करा होता है, अगर अच्छा सा मोल्स पड़ा हुआ है ओ लेवल में तो आप अपना मेथड चेंज नहीं करना, दोनों से ही काम होगा तुम्हारा।